नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जिसको आइए वीडियो देखना कभी भूलना मत। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना, तब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। इतना बड़ा झांसा, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा करप्ट में लेके सामने लेके आया हूँ पूरा लाइव अपडेट के साथ, कि किस प्रकार से लोगों के साथ क्या होता है और किस प्रकार से गाँव गरीब लोगों को झांसा देकर लोगों के साथ इतना बड़ा गेम खेला जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन का पूरा एक एक चीज़ सिस्टम में बताऊंगा, कॉइन्स के नाम पे क्या सिस्टम चलता है, किस प्रकार से ओल्ड कॉइन्स खरीदने के नाम पे इतना बड़ा सिस्टम चला रखा है इन लोगों ने, और प्रशासन भी इनका कील तक बांका नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम न लेकर डायरेक्ट उस बॉयर को कॉल करूँगा और उनसे बात करूँगा कि कितना जो सिस्टम है उनके बारे में एक एक चीज़ लेंगे। वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखना, आखिर तक देखोगे तभी मज़ा आएगा कि इस प्रकार से उनको सबक सिखाया जाएगा। इस वीडियो के आधार पर मैं एक एक चीज़ उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग ये काम धंधा छोड़ के बंद नहीं कर दे तो मेरा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। वो लोग भी अपना कॉल नहीं काट ले तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, एक एक चीज़ दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मैं अब कॉल कर रहा हूं उनके पास, आप वीडियो तक आखिर तक बने रहना। मैं जब तक उनके पास कॉल करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा है, और मैं उनसे पूछूंगा कि मेरे पास एक 2 रुपये का नोट है, उसकी क्या प्राइस लगती है। देखते हैं पूरा एक एक डिटेल्स। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी सर, मेरे पास एक 2 रुपये का नोट है, पुराना वाला, जिसमें वो आर्य बक्खा सा चिख रहा है ना सर, मतलब एक ऐसा पर आपकी। जी सर, क्या बोल रहे हो सर, आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आप ओल्ड कॉइन खरीदने वाले बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी सर, तो मेरे पास एक 2 रुपये का नोट है। हाँ जी सर। जिसपे मतलब वो होता ना यार, पृथ्वी का सा ये आर्य बटका सा निशान है, उसमें मतलब एक ऐसा तारा सा लगा हुआ है, पुराना नोट है सर। हाँ तो सर, उसका प्रोसेसिंग बताइए, हमें बेचना है वो नोट। सर, उसके पहले तो आप व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर दीजिए। कौन से नंबर पे करना है सर? कौन से नंबर पे? सर, सेम नंबर, इसी नंबर पे करना है। जी सर, अभी करता हूँ मैं। हाँ जी सर, मैंने फोटो सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। चलने वाला है कि नहीं? जी सर, फोटो सेंड कर दिया है, ये जो 2 रुपये वाला नोट है ना, उसका फोटो सेंड किया मैंने अभी तुरंत। जी सर, मिला ना फोटो? मिला आपको नोट है जो सही भेजे आपने? फोटो मिला, पुराने वाला नोट है सर। हाँ सर, यही नोट है मेरे पास। बहुत कोशिशों के बाद मेरे को ये नोट मिला था सर, बहुत कोशिशों के बाद ये नोट मिला था, और आपके नंबर भी मैंने खोजे हैं, ये नंबर भी मेरे को मिला है। अच्छा सर, हाँ सर, गूगल से लिया। तो एड लिखा हुआ था, बड़ा एड था, बड़ा एड गूगल में, बहुत बड़ा एड लगा हुआ था आपका, तो वो नंबर मेरे को अच्छा लगा, तब आपके पास कॉल किया है सर। सर, धन्यवाद सर, कंपनी में कॉल करने के लिए। जी जी सर, जी सर, आपको भी धन्यवाद। जी सर, जी सर, तब तक सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए। जी, डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजने सर? सर, एक तो अपना आधार कार्ड। जी, आधार कार्ड। एक अपनी फोटो। जी। एक अपनी UPI आईडी। जी, जो फोन पे गूगल पे में यूज। चलो सर, अभी सेंड करता हूँ मैं, अभी आपको तुरंत सेंड करता हूँ। जी सर, ये मैं ऐड करके रखा था पहले भी। जी सर, मैंने ये सेंड किया, आपके पास व्हाट्सएप पे मिल गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी सर, चेक कर रहा हूँ। जी सर। हाँ जी सर, मिल गया, मिल गया। जी सर, तो अब आगे का प्रोसेस हमें बता दो सर, कि क्या सिस्टम है, कि कितना रेट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, और कहाँ देने आना होगा, या आप लेने आओगे, वो भी हमें क्लियर बता। जैसे सभी डिटेल्स मैं आपको विस्तार से दूंगा। जी सर, क्या कि कंपनी द्वारा जो रेट है वो आ जाए एक बार। जी सर, जी सर, जी सर, तब तक मैं आपका कॉल होल्ड पे रखता हूँ सर, एक मिनट के लिए। आपको सिक्का बेचना चाहते हो कि नहीं? सर, बेचना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो बेचना चाहते हो कि नहीं? जी सर, मैं एक सेकंड आपका होल्ड पे रख सकता हूँ कॉल? अच्छा, बिल्कुल। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये लोगों इसने मेरे से आधार कार्ड का फोटो, अपना बैंक डायरी का पूरा सिस्टम मांगा है, तो मैंने उसको एक एक आईडी प्रूफ दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा फ्रॉड करेगा।
ये तभी मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस बंदे की एक एक चीज़ में आपके सामने लाइव अपडेट के साथ दूंगा और कितना बड़ा सिस्टम है उनका, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर मैं इस वीडियो के आधार पे उसको इस प्रकार फटकार लगाऊंगा कि अगर वो फ़ोन काटने पे मजबूर न हो जाए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या सिस्टम है। तो मैं उसका होल्ड हटा देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी सर, बताइए आगे का प्रोसेसिंग। हाँ जी सर, आपकी जो कंपनी द्वारा रेट लगी है सर जी, वो कुछ 11 लाख रुपए लगी है सर। 11 लाख रुपए जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बड़ी रकम दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए जी सर। तो हमें बताइए प्रोसेसिंग, बताइए इस नोट को बेचना चाहते हो जी? बेचना चाहते हैं ना, बेचना चाहते तभी तो भेजा है, तो बताइए कहाँ आना होगा सर? आप कहीं पे नहीं आना, कंपनी के लोग हैं जो आपके पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, मतलब कंपनी के लोग हमारे पास आएंगे जी सर, ये तो सबसे बढ़िया है ना जी सर। जी सर, तो बताइए सर, आपको तो फॉर्म है जी, इसके लिए वो लगवाना होगा ताकि कंपनी को सारी डिटेल्स आपकी मिल सके। फॉर्म तो आप लगाओगे, हमें कहीं जाके लगवाना होगा जी सर? हम ही लगवाएंगे। तो लगा दो सर, फिर वेट किस बात का है? छोटी जी, 599 रुपये आपको फॉर्म फीस सेंड करनी है बस सर, यही सुनना था हमें, बस यही सुनना था। तुम्हारा वीडियो में लाइव चला रहा हूँ, मुझे पता था कि तुम फ्रॉड करोगे, एडवांस पेमेंट मांगोगे और फ्रॉड का सिस्टम चला रहे हो। तो तेरा मैं लाइव वीडियो चला रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बंदा 599 रुपये हमसे एडवांस में मांग रहा। अभी उसका वीडियो कॉल चल रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती रे? क्या बोल रहा है, कहाँ से बात कर रहा है तू? क्या कहाँ से बात कर रहा है? क्या शर्म नहीं आती? क्या तेरे को शर्म नहीं आती? क्यों लोगों के साथ फ्रॉड करता है तू? कौन कर रहा है? कर रहा है ना तू, 599 रुपए एडवांस बोल के। एडवांस तो सर ये आप फॉर्म साले, तेरे को शर्म नहीं आती? क्या बोल रहा हूँ, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आती? तेरा वीडियो बन रहा है अभी लाइव, वीडियो बना ले हमको। नहीं, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती तेरे को? क्या शर्म आती है साले? तुम देश का खाते हो और देश के साथ गद्दारी करते हो क्या? तो देश को लूटने का काम करते हो। देश कौन सी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा? तुम्हें कीड़े पड़ेंगे साले, इतने बड़े बड़े गरीब आदमियों को तू गरीब आदमियों को लूटने का काम करता है? नीच आदमी है तू। कौन लूट रहा है पहले ये तो बता दे मेरे को। तेरे को मैं, अगर तू मेरे को अभी मिल जाए ना, तो तेरे को मैं ऐसी मार मारूंगा, तेरे को पता चल जाएगा। नीच लोग हो तुम। कौन है नीच लोग? तुम हो ना, तुम फोन, तुम अभी ये तुम दासी मेरे हो ना, ये बड़ी रकम बता के, बड़ी रकम बता के छोटा सा रकम छूट कर गए। नहीं साले, तेरे को शर्म नहीं आ रही? नीच आदमी है तू, देश में रहने का अधिकार नहीं है तुम लोगों को। यार देश किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है? तुम लोगों के साथ सूत पागल बना देते, उनको बड़ी रकम का जैसा दिया और उनको छोटा सा रकम ले लिया साले। हमारी भाषा में तुझे कमीना बोलता हूँ, मैं नीच बोलता हूँ, मतलब तेरी किस्म ऐसी पता नहीं कौन सी एक किस्म का है रे तू साले। तेरे को मैं जितनी गालियां दे रहा हूँ तू सुन ले रे? तो फ्रॉड कर रहा है ना साले, कमीने मुझे पता था फोन काटेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू फोन काटेगा साले? नीच आदमी है तू, इतना नीच आदमी है तू, बकवास की बात नहीं है साले। तेरे को है ना कीड़े पड़ेंगे, तेरे को इतनी बुरी तरह मार मारूंगा अगर जिस दिन मेरे को मिल गया ना तू, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? वो तो पता चल जाएगा तेरे को, जल्द पता चलेगा, तेरा वीडियो चल रहा है तू। नहीं वो तो पता चलेगा ना तेरे को, तू तो कहीं बैठ के अभी मेरे को कहीं बैठ के तू धमकी दे रहा है, लेकिन तेरा एक एक सिस्टम में लाइव के सामने पूरा डिटेल्स लेके आया हूँ, तो डिटेल्स से मैं तेरा जल्द ही तेरा ऐसा असर करके दिखाएंगे, तुझे पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा ना तेरे को? क्या पता चलेगा? वो तो अपने आप चलेगा साले। तुम लोग देश का खाके, देश का खाके देश के साथ गद्दारी का काम करते हो। नहीं तेरे को, तुम कमा नहीं सकते क्या? तेरे दो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि इसका कॉल कटवा दूंगा, इसने कॉल काट लिया। ये लोग सिर्फ फ्रॉड का काम करते हैं और कुछ नहीं है, इनको ऐसी ऐसी हमने गालियां सुनाई है, तो ये लोग फोन काटने पे मजबूर हो गए, क्योंकि इनको ये पता चल गया कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि दाल अगर गलती तो इनको 500-1000 रुपये मिल जाते। इनका सिस्टम जो है वो एक एक चीज़ मैंने आपके सामने लाया। वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ताकि आगे भी मैं वीडियो इसी प्रकार के लेके आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।